अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे YouTube फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे 1K कंप्लीट हो गए हैं और आप लोगों के तावुन से, आप लोगों के प्यार मोहब्बत और शफकत से मैं इस स्टेज तक पहुँची हूँ कि मेरे 1K हो चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइंदा भी अपना तावुन इसी तरह से मेरे साथ रखें और मेरी कामयाबी में मेरा साथ दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। मैंने अपनी वैनिटी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदी हैं। ज़ाहिर है ब्राइडल सीज़न है और हमें अपनी वैनिटी को अपडेट करना पड़ता है, उसके लिए मैं ये जो प्रोडक्ट्स खरीदी हैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ये ब्रशेज़ हैं, इसमें ये मैंने एक बारीक लाइनर ब्रश ख़रीदा है, साथ ही कुछ फाउंडेशन ब्रशेस हैं, जो दो टाइप्स के मैंने फाउंडेशन ब्रश ले लिए हैं। फाउंडेशन ब्रश से हम लिक्विड बेस और फाउंडेशन मिनरल बेस जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने अपने ब्रशेस को अपडेट किया है और मैंने दो ब्रश ख़रीद लिए हैं। साथ ही ये बहुत प्यारा मुझे ये लगा ऑरेंज, इसका ऑरेंज रेड सॉरी ऑरेंज ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन, ये ब्लैक के साथ है। ये मेरा पाउडर ब्रश है, इससे आप कंटूरिंग भी कर सकते हैं और इससे पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन एक गोल्डन कलर का फाउंडेशन ब्रश है, इसको मैं लिक्विड फाउंडेशन में यूज़ करूँगी क्योंकि ये मिनरल बेस इससे हम यूज नहीं कर सकते, मिनरल बेस से अब इससे अप्लाई नहीं होती। बहुत स्मूथ और फाइन ब्रशेस थे ये मेरे। तो व्यूवर्स अब ये मैं आती हूँ एक ब्लश ऑन की तरफ। देखिए कितना क्यूट और कितना स्मॉल और क्यूट है ये मेरा ब्लश ऑन पैलेट। मुझे पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये मैं अपनी वैनिटी में ऐड नहीं करूँगी, ये मैं अपनी बेटी को गिफ्ट करूँगी। इसमें 3 कलर्स हैं। सबसे पहले सॉफ्ट पीच कलर है ये, इसके साथ ये वीडियो में थोड़ा शॉकिंग आ रहा है लेकिन ये डल पिंक है। नीचे देखें जी आप, ये पिंक की ही सीरीज के 3 कलर्स हैं, लाइट डार्क और उससे डार्क। बहुत खूबसूरत केस लगा इसका मुझे और इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। ये ब्रो कलर्स हैं, डार्क ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। ये भी छोटे छोटे पैलेट बहुत ही अच्छे ये ब्रोस पैलेट हैं, साथ बहुत क्यूट ब्रश हैं और मुझे पहली नज़र में पसंद आ गए कि मेरी वैनिटी में ये एक स्मार्ट चीज़ें होनी चाहिए। ब्रश देखें इसका कितना क्यूट है, आप इजीली इसको अपने बैग में भी रख सकते हैं और आप इसको सफ़र पे ले जाते हुए जो आप अपना मेकअप बैग रेडी करें उसमें ये रख सकते हैं। बहुत स्मॉल छोटा सा ये एक पैलेट है, ब्रो पैलेट। इसमें मैंने दो शेड्स ले लिए हैं, एक वो डार्क ब्राउन और ब्लैक है और इसमें दूसरे वाले पैलेट में ब्राउन की ही दोनों टोन्स हैं। समटाइम्स ऐसा होता है हमारे क्लाइंट के हेयर्स लाइट ब्राउन होते हैं, जैसे हमारी ब्राइड्स में मोस्टली लोग एश की सीरीज़ के बाल करा रहे होते हैं और उसके साथ हमें डार्क ब्लैक और ब्राउन आईलैशेस नहीं चल रही होती, उसके लिए ये शेड्स हैं। इसके ब्रश की तरफ देखें कि टू साइड इसका ब्रश है, एक तरफ इसके कट ब्रश लगा हुआ है और दूसरी तरफ इसके स्मॉल स्मार्ज ब्रश है, जिससे आप अपनी ब्रोज को बड़े अच्छे से ब्लैक कलर ब्राउन कलर दे के और उसको स्मार्ज कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स मेरी पसंदीदा चीज़, बहुत ही खूबसूरत क्यूट एक आई शेड है। ये आई शेडो देखते ही मुझे ख्याल आया है कि इसको हम यूज़ करेंगे अपने स्मोकी मेकअप में। इसकी आप कलर की ग्रिप देखें, पाउडर शेड है लेकिन इसकी ग्रिप बहुत बेहतरीन है। ये देखिएगा, ये आजकल मॉडल मेकअप में बहुत यूज़ होगा कलर, बहुत रनिंग शेड है। आप ब्लैक लेट करके उसके ऊपर ये कलर दें और ये कलर रिफ्लेक्टर बहुत ही बेहतरीन है। स्मॉल केस है, स्मार्ट है, इजी टू कैरी है
और ये व्यूवर्स मैंने ले लिए हैं दो जेल आईलाइनर। इससे आप ब्रोज भी सेट कर सकते हैं और इसको एज अ आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके दो शेड्स हैं, डार्क ब्राउन और ब्लैक। ये मैंने डार्क ब्राउन की पैकिंग खोली है और ये देखें व्यूवर्स की किस कदर रिच डार्क ब्राउन कलर है ये। और ये मैंने आज अपनी आईज पे भी लगाया था, बहुत ही खूबसूरत स्मार्ज लुक इसकी आई थी। और स्मॉल पैकिंग है, ये भी बेहतरीन है, बहुत अच्छा है ये। दूसरे हम ब्लैक की तरफ आते हैं, ब्लैक का भी बिल्कुल स्मॉल इसकी छोटी सी डिबिया है। ये देखें जी, ये रिच ब्लैक कलर है और बड़ी मज़े की मुझे ये शॉपिंग लगी है। आप बहनों के साथ भी मैं ये शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे चैनल पे अभी आपको सीखने सिखाने का जो सिलसिला है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे आइए, विज़िट कीजिए, आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मज़ीद मैं क्या सिखाऊं, दिखाऊं, शेयर करूं। ये एक मैंने मिनरल बेस ख़रीद ली है, पहले 02 दबाम शर्ट, दबाम कंपनी का 02 नंबर था और ये टिंगो कंपनी है, इसका मैंने 01 नंबर ले लिया है। मिनरल बेस है, दोनों का कॉम्बिनेशन करूंगी मैं। यू आर पाउडर, इसके मैंने बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट पाउडर लिए हैं जो कि आजकल अंडर आई यूज़ हो रहे हैं, आईज के नीचे, और हमारे कंटूर को इन्हेंस करने के लिए ये मैं पाउडर्स यूज़ करती हूँ। इसके मैंने दो पैक्स ख़रीदे हैं, ये देखिएगा, दोनों डिफरेंट कंपनीज हैं लेकिन दोनों का काम एक जैसा ही है, क्वालिटी सेम है लेकिन कंपनीज दोनों की डिफरेंट है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं इन प्रोडक्ट्स के साथ आप सबको सिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे चैनल पर काम होगा आप सब लोगों के सीखने के लिए। ये मैंने ले लिए हैं जी दो मोस्ट रनिंग शेड्स हैं लिप ग्लोज के, पीच और रेड, डबल साइडेड हैं। इसके साथ ये हमारा ट्रांसपेरेंट जो ग्लोज शाइनर होता है ये वो है और दूसरी तरफ मेरा कलर है। ये देखिएगा बहुत प्यारा हॉट रेड शेड है। ब्राइड्स आजकल बहुत पसंद कर रही होती हैं कि हमें हॉट रेड शेड चाहिए। आप लाइट मेकअप के साथ भी आप डार्क लिपस्टिक लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है। पार्टी मेकअप्स में अक्सर ये शेड यूज़ होता है पीच, हमारे यहाँ तो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। सरगोधा में डार्क कलर्स का ट्रेंड है, हर कोई पसंद करता है कि डार्क पीच, डार्क शॉकिंग, डार्क रेड, डार्क ऑरेंज, ये वाले शेड्स मोस्टली हमारे यहाँ ब्राइड्स पसंद करती हैं तो उसी तरह के शेड्स हमारी कलेक्शन में होते हैं। तो व्यूअर्स अब हम आ गए हैं मेरी मोस्ट फेवरेट पैलेट की तरफ। मेरे पास बहुत अरसे से मैट शेड्स की कमी हो रही थी और मैं चाहती थी कि मेरे पास कोई बहुत बेहतरीन किस्म के मैट शेड्स आएँ। मैंने ये मैट एक पैलेट लिया है, इसका वाइट अप देखें, इसका ब्राउन देखें किस कदर रिच कलर है ये। ये देखें जी, ये ब्राउन की फैमिली के दो शेड्स हो गए, पिंक स्टार्ट हो गया है और पिंक के भी 3 से 4 शेड्स हैं इसमें, पीच के 3 शेड्स हैं। पीच, लाइट पिंक, सब शेड इतने बेहतरीन हैं कि मैं इस सीज़न में इस पैलेट से इतनी खुश हो रही हूँ कि मैं इसको एज अ आई कंटूर, एज अ कंटूरिंग किट और एज अ आईब्रोज के सॉकेट्स के लिए भी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ और ब्लश ऑन के इसमें शेड्स हैं। आई लव इट। ये देखिएगा व्यूअर्स, और लास्ट में ये इसका बिल्कुल एक लाइट ग्रे सा आया है
ये आइस के लिड पे यूज़ होगा। तो ये थी व्यूवर्स मेरी आज की वीडियो, कंप्लीट हो गई, सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होंगी, और अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मेरे साथ रहें, मेरे चैनल पे रहें, मुझे देखें, मुझे लाइक करें और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ बताएं कि मैं आप लोगों के लिए क्या नया से नया लेकर आऊं। अपनी तरफ से तो मेरी बहुत कोशिश है कि जो कुछ मेरे पास है, जितना नॉलेज मेरे पास है, जो कुछ मैं यूज़ करती हूँ, जो इस्तेमाल करती हूँ, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब मैं इसमें कितना कामयाब होती हूँ ये आप लोगों के कमेंट्स मुझे बताएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।